धारा 144 लागू है और अगले 2 महीने के लिए लागू है, जबकि इलाके में कोई भी कैजुअल्टी नहीं है, कोई तशद्दुद का वाकया नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि प्रदर्शन करना, विरोध करना संवैधानिक हक है और सबको शांतिप्रिय तरीके से कानून में रहते हुए प्रदर्शन और धरना या अपना रोष प्रकट करने का सबको अधिकार है। हमारे जिले में भी जब से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट NRC के मुद्दे पे लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया, नुह से लेकर घासेड़ा तक 18 दिसंबर को एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ना कोई हिंसा हुई, ना किसी तरीके के कानून व्यवस्था का कोई मसला हुआ था और ना कि एक पैसे का नुकसान हुआ था। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा 2 महीने के लिए 25 दिसंबर को दफा 144 लगा देना और वो भी पूरे जिले में लगा देना और हरियाणा में सिर्फ 23 जिलों में से एक जिले में लगा देना, ये अपने आप में सरासर गलत था। जबकि किसी तरीके की ऐसी शंका, किसी तरीके की ऐसी हिंसा या विरोध करते हुए किसी कोई भी प्रदर्शन, विरोध करना अधिकार है और उसमें किसी तरीके का कोई हिंसा घटना या कोई नुकसान की घटना नहीं हुई थी और उसका हमने जब भी विरोध किया। और उसके बाद हम जब घासेड़ा गांव में 250 व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने इकट्ठे हुए थे, किसी तरीके का प्रदर्शन नहीं किया था गांव के अंदर इकट्ठे होने का, और उनके ऊपर जो है इस तरीके का मुकदमा उल्लंघन करने का 144 का कर दिया, तो इससे मेवात के लोगों में असंतोष हुआ, लोगों में चिंता जगी। हमने भी पहले भी विरोध किया था, उसके बाद पहले गृह सचिव से भी, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे नहीं, और शाम को मुख्यमंत्री से मिलकर उनको इस बारे में अपनी जो है दर्द कराई हमने अपना कि किसी तरीके से दफा 144 लगाना, ऐसे हालात में जहां जरूरत हो वहां लगाएं, लेकिन जहां शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन और होते हैं उसमें लगा के और उनमें केस बनाना ये सरासर गलत है और इसे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। हम संविधान में रहते हुए, नियम कायदे कानून में रहते हुए हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरीके की कार्रवाई नहीं है। और हमारे को हर एक तरह से आगे भी हम किसी तरीके से कोई ऐसा कार्य इलाके के लोगों ने पिछले 5 से 6 वर्षों में देख सकते हो, सब जगह विरोध प्रदर्शन हुए, हमारे जिले में कभी किसी तरीके कोई हिंसा की घटना या किसी तरीके का प्रदर्शन, चाहे जुनेद की हत्याकांड की बात कर लें, चाहे हमारे रकबर पहलू के जो उसके ऊपर यहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, चाहे जाट आरक्षण की बात कर लें, कभी किसी तरीके का कोई इस जिले में खासतौर पर कोई परेशानी हुई। तो हमने उसको बात को कि ये तर्कसंगत नहीं है और इसको तुरंत हटाया जाए, उस पे सकारात्मक रवैया अपनाते हुए आज 2-3 शहरों को छोड़ के जो है दफा 144 हटाई गई है। और हम ये कहते हैं कि हम अपना विरोध जो दर्ज कराएं, और संविधानिक हक है हमारा, उसमें कराएंगे, लेकिन इस तरीके से दफा 144 बार बार लगाना और इस तरीके के जो है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में सब में जो टिप्पणियां आई हैं वो ये है, लोकतंत्र को और प्रजातंत्र को उसको मजबूत करने के लिए बात है और अपना वो हक जो है, लेकिन दफा 144 लगा के आवाज को दबाना और लोगों को दबाना जो है ये कहीं प्रजातंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। और इसी बात को कहने के लिए हमारा आगे आने वाले समय में भी हमारी सबसे यही कि हम अपना विरोध प्रदर्शन भी करें तो कानून और कानून व्यवस्था को बनाकर शांति प्रेत के तरीके से करें, अपना हक जो है, अपना संघर्ष है, अपनी बात जो है हम कानून के दायरे में रहकर करें। हम इसी बात को कहते हुए इलाके में शांतिप्रिय माहौल और जो है आपसी सौहार्द बना रहे, लेकिन विरोध प्रदर्शन धरना वो अपनी जगह है जिसको हम कानून के दायरे में रहकर करें। गृह सचिव से मुलाकात की और ग्रीवेंस कमेटी में भी आपने ये मुद्दा उठाया था, क्या आश्वासन दिया गया था? नहीं, मैंने जैसे बताया जिस दिन लगी थी उस दिन से ही हम विरोध कर रहे थे, जहां भी हमें प्लेटफॉर्म मिला हमने यहाँ के मंत्री जो इंचार्ज हैं कष्ट निवारण के मीटिंग में जो थी उस दिन भी इस बात को उठाया, उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि बात करेंगे, ऊपर भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हम चंडीगढ़ गए तो जब भी गृह सचिव से मिले उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री से मिला और
अपनी जब तक किसी बात को जब हम शांति प्रिय तरीके से अपना कानून व्यवस्था के किसी तरीके दिक्कत नहीं है तो ऐसा जो है बंदिश या ऐसा जो है हमारे ऊपर अंकुश लगाना पूरे राज्य में एक जिले को करके और उस चीज को क्या मतलब एक संदेश देना चाहती है उसका हमने विरोध किया और उसका जब हटना है तो ये यही है कि हम आगे भी विरोध प्रदर्शन करें लेकिन हम कानून और संविधान अपनी जो जिम्मेदारियां उसे निभा के करें। हम किसी तरीके के वो नहीं करना चाहते जैसे मैंने कहा सालों से किसी तरीके का ऐसी घटनाएं नहीं हुई ऐसी जो है बंदिशें लगाना लोकतंत्र के और उसके जो हम